बाउल में सबसे पहले मेजरिंग कप से एक कप गेहूं का आटा डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक, एक चम्मच तेल डालेंगे। सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजें मैंने मिक्स कर ली है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो डो बनाकर मैंने तैयार कर लिया है, अब इसे हम 10 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे ताकि जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने ये दो बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलू का मैंने छिलका उतार लिया है और अब आलू को हम मिश कर लेंगे। तो दोनों आलूओं को मैंने मिश कर लिया है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की जगह पर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर की जगह पर आप नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डालेंगे। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीजें मैंने मिक्स कर ली है, फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। तो डो को रखे हुए भी 10 मिनट हो गए हैं। डो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब डो में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। अब देख सकते हैं मैंने किस साइज का पोर्शन लिया है। इसकी लोई बना लेते हैं। लोई बनाकर हम इसे इस तरह से गोल करते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे गोल कटोरी की तरह तैयार कर लिया है। अब हमने जो फिलिंग तैयार की है उसे हम कटोरी पर रखेंगे और इसे सभी तरफ से अच्छे से बंद कर देते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बड़ों के साथ साथ ये नाश्ता बच्चों को भी पसंद आएगा। तो इस तरह से इसे हमें बंद कर देना है। फिर से हथेलियों से इसे घुमाएंगे और हल्का सा प्रेशर देते हुए इसे दबा देंगे। नाश्ते में जब कभी समझ में ना आए आज क्या नया बनाया जाए तो इस नाश्ते को आप जरूर बनाकर देखें। तो इस तरह से इसे हमें रेडी कर लेना है। सारे पीसेस हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेते हैं। इस तरह से सारे पीसेस बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की ओर। कढ़ाई में मैंने पानी डालकर गर्म होने के लिए रखा था, तो आप देख सकते हैं पानी में बबल्स उठने लगे हैं। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। तो एक एक पीस करके हम सारे पीसेस पानी में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे। कवर करके 8 से 10 मिनट तक इसे हम बॉईल होने के लिए छोड़ेंगे। 8 से 10 मिनट हो गया है, हम ढक्कन हटा लेंगे और साथ ही गैस बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सारे पीसेज जो हैं वो फूल चुके हैं। अब इन्हें हम पानी में से बाहर निकाल लेंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म कर लेते हैं। तो तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा और साथ ही में 1 चम्मच सफेद तेल डाल देंगे। तो दानों को चटका लेंगे। सारे दाने चटकने लगे हैं। तो हमने जो गेहूं के आटे का पीसेस तैयार किए हैं उसे हम कढ़ाई में रखेंगे। तो इस नाश्ते को हम तड़के में अच्छे से फ्राई करेंगे। सारे पीसेस मैंने तड़के में रख दिए हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें हम पलट लेंगे। तो बस पलट पलट कर इसे हम अच्छे से सेक लेंगे ताकि इसमें हल्के से चकते लग जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस चकते लगने तक सेक लिए हैं। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। गेहूं के आटे से बना हुआ ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें हमने बहुत ही कम तेल का यूज किया है। तो देखने में लग रहा है ना यम्मी। तो आप देख सकते हैं गर्मा गर्म गेहूं के आटे का ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत है। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें
ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो मिलते हैं एक नई मजेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।